तो स्वागत है आपका एस एस नोट स्टडी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि EWS सेंटर लेवल का तो प्रमाण पत्र बनाने हैं तो कौन कौन से तो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए जिससे आप EWS सेंटर लेवल का आवेदन तो कर सकते हैं और सभी भर्तियों के अंदर सेंटर लेवल की भर्तियों के अंदर आप 10% आरक्षण तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर EWS सेंट्रल लेवल का प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आपको सबसे पहले आपकी तो आवेदक की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, उसके बाद तो आवेदक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड मूल निवास होना चाहिए, उसके बाद आवेदक के माता पिता का वोटर आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक का परिवार जन आधार कार्ड रसीद होनी चाहिए यानी कि अगर आपका जन आधार कार्ड है तो वो होना चाहिए या फिर उसकी रसीद होनी चाहिए, आवेदक का परिवार राशन कार्ड होना चाहिए, आवेदक का शिक्षा दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र कोई एक होना चाहिए यानी कि आपका या तो कोई शिक्षा का दस्तावेज या आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, परिवार वार्षिक आय घोषणा पत्र 8.5 लाख से कम होनी चाहिए यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपका तो बना होना चाहिए, इसके बाद स्वयं या पिता के नाम से भूमि की जमाबंदी नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखंड या फ्लैट के दस्तावेज होने चाहिए यानी कि आपकी जमाबंदी की तो वेरीफाई होनी चाहिए और इसके अंदर आपका तो भूखंड या फ्लैट के दस्तावेज होने चाहिए, इसके बाद आपकी राजकीय कार्मिकों को कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया वेतन से संबंधित फॉर्म नंबर 16 की प्रति होनी चाहिए। ओके दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट आप लेकर अपने नज़दीकी तो ई मित्र पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म तो भर सकते हैं और इसके बाद आपका EWS प्रमाण पत्र बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।